नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। खालिस्तानियों के बवाल के आगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घुटने टेक दिए हैं। उनकी शर्तें मानने को राजी हो गए। इसी बीच अजनाला कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाते हुए अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफानी को रिहा करने का आदेश दे दिया है। एक बार फिर पंजाब में खालिस्तानियों का आतंक और तानाशाही बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे भगवंत मान सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में वारिस पंजाब संगठन के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफानी को रिहा कर दिया गया है। अजनाला की कोर्ट ने लवप्रीत की रिहाई का आदेश दिया। दरअसल 22 फरवरी को अमृतपाल के हथियारबंद समर्थकों ने अजनाला थाने पर भारी बवाल मचाया था। पुलिस थाने पर कब्जा करते हुए अमृतपाल ने धमकी भरे अंदाज में लवप्रीत को छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। हथियार लहराते हुए इन खालिस्तानी समर्थकों ने पुलिस पर हमला बोल दिया था, लेकिन भगवंत मान इन लोगों की तानाशाही को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाए। आखिर में इन खालिस्तानियों के आगे भगवंत मान सरकार को घुटने टेकने पड़े, जिसका नतीजा ये रहा कि खालिस्तानी लवप्रीत को रिहा करने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि अमृतपाल सिंह के गुंडों ने जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि सबूत नहीं मिलने के बाद लवप्रीत को छोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लवप्रीत की रिहाई के बाद अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक स्वर्ण मंदिर जाएंगे। 22 फरवरी को अमृतपाल के समर्थक अजनाला थाने में जुट गए। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में बंदूक। इस दौरान पुलिस पर हमला करते हुए थाने पर कब्जा कर लिया गया था। हिंसा में 6 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई थी। वहीं अमृतपाल ने इस दौरान कहा था कि हमने इन्हें एक दिन का वक्त दिया था, लेकिन 4 दिन तक इंतजार किया, जिसके बाद विरोध का फैसला लिया। इन लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथी को अगर नहीं छोड़ा गया तो आगे क्या होगा, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। जिसके बाद अमृतपाल की SSP सतिंदर सिंह के साथ बैठक भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को इनके आगे झुकना पड़ा। इतने बवाल के बाद भी ये खालिस्तानी अमृतपाल सिंह भारत के खिलाफ जहर उगलता नजर आया। भड़काऊ बयान देते हुए फिर इसने खुलकर खालिस्तान का समर्थन किया और कहा कि एक भारत पर भरोसा नहीं है, हिंसा बहुत ही पवित्र चीज है। पंजाब में खड़े होकर ये खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह जमकर जहर उगल रहा है, लेकिन भगवंत मान सिंह सिर्फ तमाशा देख रही है। अपने करीबी लवप्रीत तूफानी की रिहाई के बाद अमृतपाल सिंह भड़काऊ बयान देता नजर आया, खुद को इंडियन कहने से इनकार किया और कहा कि हिंसा बहुत पवित्र चीज है, एक भारत में भरोसा नहीं है। ऐसे भड़काऊ बयान के खिलाफ भी भगवंत मान सरकार की इन खालिस्तानियों पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं हो रही है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।